बीच में आते हैं देखो ऐसे यार। मेरा भाई आंटी के रिएक्शन मिल रहे थे, आगे बैठी नहीं आंटी तो भाई इसके आंटी के तगड़े रिएक्शन मिल रहे थे, अभी नहीं देख रही मैंने कैमरा ऑन करते ही। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब अच्छे हो। सो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ सीनू के पास। सीनू भाई काफ़ी दिन से पीछे पड़ रहा था, तो सुबह जिम में आए ना तो मेरे को सुबह भी बोलने लगा, भाई कितने दिन हो गए तो मैं तेरे को एक बात बोल रहा हूँ इतने दिन से, तो वो काम नहीं कर रहा। फिर मैंने बोला चल ठीक है भाई आज फ्री हूँ शाम को, क्योंकि जिम तो जाना नहीं था शाम को। फिर मैंने बोला ठीक है भाई चल लेंगे शाम को। तो अभी जस्ट शॉप से आया था, शॉप से आके अभी सीनू के पास जा रहा हूँ, फिर जाएंगे हम बालडा। तो भाई उसने काफ़ी दिन हो गए थे, वो लोग में देख रहा था ना, तो बोल रहा था भाई कि पिज़्ज़ा खुआ दे यार काफ़ी दिन हो गया। मैं बोला भाई ठीक है आज तेरे को पिज़्ज़ा खिलाते हैं तो चलते हैं। सो अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ, अब सो अभी चलते हैं सीनू के पास, फिर वहाँ पर जाके वो लोग कंटिन्यू करेंगे। और मेरे को बाइक चैन सब वो चैन वो भी करनी थी, चैन में लूप करना था वो भी नहीं कर रखा चैन में लूप, तो मैंने बैग में डाल लिया चैन लूप होता है जो। सो अभी सीनू के पास जाएंगे तब जाके वहीं पे करेंगे। और मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यार, क्योंकि रक्षाबंधन चल त्यौहार है ना, तो इसलिए भाई काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा मार्केट में। तो सो चलते हैं अभी सीनू को पिकअप करते हैं और वहाँ पे चैन को लूप करते हैं, लूप करके फिर निकलते हैं। फिर मैं दिखाऊंगा भाई क्या बोलता है। मैंने बोला भाई पैसे तू कर लियो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोला ठीक है भाई आ जाओ तू देखते हैं मैं कर लूँगा पैसे। सो अभी जा रहे हैं भाई। सो भाई अभी सीनू का कॉल आया, बोला यार मैं नहीं जा रहा ये वो करने लग गया। मैं बोला भाई एक बार बोल दिया ना चलना है तो चलना है भाई कुछ भी हो जाए। फिर वो चल ठीक है आ जा घर पे फिर देखते हैं, तो उसकी मम्मी वगैरह घर पे नहीं है तो भाई कहीं बाहर जा रखी होंगी, तो बोला चल ठीक है तू आ जा घर पे पहले उसके बाद देखते हैं। तो अभी मैं शनिवार घर पे पहुँच जाऊँ, पहुँच के फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और भाई जो चैनल पे न्यू है भाई सब्सक्राइब कर लेना, और भाई मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। सीनू वही है जो भाई अर्नोल्ड जो पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, जो पहले मेरे साथ जिम करता था, शायद मोस्टली लोग आप जानते होंगे जो पहले से स्टार्टिंग से मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे वो सीनू को। सो और भाई आंसू तो वो जो के ग्रीन था वो मेरे से नाराज़ हो रहा, काफ़ी दिन हो गए मेरे से बोल भी नहीं रहा। मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई बोल क्यों नहीं रहा, तो बोला भाई बस ऐसे ही थोड़ा उसका टाइम ख़राब चल रहा है तो इसलिए वो मेरे से बात भी नहीं करता, ना कॉल करता ना कॉल पे आता, पता नहीं क्या बात हो रही है, पूछना पड़ेगा, मिल लूँगा ना तब पूछूँगा उससे। यार मैं तेरी बात कर रहा था भाई कसम, ज़्यादा लंबी उम्र ले रहा है तू, तेरी बात कर रहा था मैं बाइक पर चल चलते मैं भाई बोल रहा था भाई आंसू नाराज हो रहा है क्या बात होगी पता नहीं मैं सीनू के पास जा रहा हूँ, सीनू बुलाओ था एक बार। वो उसने यार काफ़ी दिन होगा मेरे से बोलती बोलती कि भाई पीछा पड़ रहा भाई पिज़्ज़ा सब नुखा लाया मन्ना को नुखा लाया, तो मैं चला चल लेंगे पिज़्ज़ा खान। भाई कसम तेरी घनी लंबी उम्र है पता नहीं याद करने लग रहा था, अरे तू चिमकंडी सा मिल ही जाए। सो भाई इसकी बात कर रहा था, आपको पता मैं पहले ये बोल रहा था मैं लास्ट यार नाराज़ हो रहा है पता ना क्या बात हो, तू भाई नाराज़ रहे ना सोपा व ना कॉल करे भाई बड़े आदमी हो रहे हो घर तब के बाद बुरा होना है तने भाई, ये बुरे होने की कोशिश कर रहा है अभी हैं चल ठीक है चले तू भी चले के बाडा तो कि जा भी तू, तबीयत खराब हो रही है तेरी क्या हो गया भाई बच के रहा कर, ऐसा सीन डेंगू चल रहा है भाई भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा। सो चल ठीक है बाद में मिलूंगा कल आज ही सोप है ठीक है। अभी बस 100-200 मीटर दूर रहेगा उसका सीनू का घर, और यार मेरे को अभी एक दो दिन में भाई वहाँ पे भी जाना है नारनौल में, नारनौल तो एजेंसी में बाइक चेक करवा के लिए आनी है, जो इंजन वाला साइन है ना ये जा ही नहीं रहा, फिर मैंने सोचा कहा चला लूँगा ना तो निकल जाएगा पर चलो साइन जा ही नहीं रहा तो एजेंसी में चेक करवा के आनी पड़ेगी। तो फाइनली भाई पहुँच गए अर्नोल्ड के घर पे, यहाँ से राइट था शायद, हाँ यहीं से राइट है, राइट लेना है यहीं से, पीछे कुछ आ तो नहीं रहा। सो यहीं पे उसका घर अर्नोल्ड का, ये रहा भाई पहुँच गए अर्नोल्ड के घर पे। ये बड़ी सोड़ी शॉर्ट शॉर्ट्स में आजा जल्दी आजा, हाँ ब्लॉग चल रहा भाई और के
नहीं भाई आजा जल्दी आजा। ये भाई देख हाँ चल पहले एक बार वो चैन लूप करनी, चैन लूप कराना। आजा तो मेरे तो एकला थोड़ी होगी, तन उठानी पड़ेगी भाई। बॉडी दिखा रहा स्टील बॉडी अनोल्ड की। जो लूप वाली बोतल होती है ना भाई, वो स्प्रे वाली, सो मैं बैग में डाल ले आया था। भाई यहाँ पे ना रिएक्शन तगड़े मिल रहे हैं भाई। मैंने वो गोप्रो पर रखा था और इतने तगड़े रिएक्शन मिल रहे थे, फिर मैंने सोचा भाई वो गोप्रो नहीं कर लूँ। तो भाई काफ़ी अट्रैक्टिव वाले रिएक्शन थे, मज़ा आ गया। ऐसे नू भाई बोला है रिएक्शन ले रहा है, मैं बोला भाई रिएक्शन तो मिलते भाई कुत्ता बीच में आते हैं देखो ऐसे। यार बस क्या बताऊँ यार, ये कुत्ते ना भाई पीछा ही नहीं छोड़ते मेरा, तो कभी ना कभी तो बीच में आते ही हैं। सो अभी बस थोड़ी दूर रह गया, 5 किलोमीटर रह गया, फिर पूछ जाते हैं 5 किलोमीटर। फिर इस भाई को पीछे खुआना है यार, काफ़ी दिन से गैल पड़ रहा है भाई। छीनू बोला भाई यार इतनी तगड़ी रिएक्शन मिल रहा है, लड़के ऐसे देख रही है। मैं बोला भाई अपना ब्लैक पैंथर चीत ही ऐसी है यार, देखे क्यों नहीं यार मुड़ मुड़ के। अरे भाई हर कोई बंदा ऐसे देखता है मुड़ के, मॉडिफिकेशन ही ऐसा करवा रखा है, देखेंगे तो ये भी सीधी सी बात है। तो भाई चीज़ है अपना ब्लैक पैंथर। तो भाई ये बाइक का नाम मैं कभी भी सेल नहीं करूँ, हमेशा अपने पास रखूँगा चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ। गाइस मैंने कैमरा कैमरा बंद कर दिया था भाई, आंटी के रिएक्शन मिल रहे थे आगे बैठी नहीं आंटी, तो भाई इसके आंटी के तगड़े रिएक्शन मिल रहे थे, अभी नहीं देख रही मैंने कैमरा ऑन करते ही। बोली ये और ये क्या है। मेरे को लग रहा है भाई बाइक में है ना कुछ दिक्कत आ गई, क्योंकि ब्रेक मार रहा हूँ ना तो डिस्क पैड की शायद लेदर गए। यार ऐसा तो नहीं यार, मैं यहाँ से गया था जब तो लेदर गलवा के गया था, नए लेदर थे यार बिल्कुल भी अनटच। अब अभी ब्रेक ले रहा हूँ तो डिस्क पैड की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। तो बाइक रोक के फिर देखते हैं आगे, अभी तो पहुँच ही गए बारडा में, पता नहीं यार कैसी आवाज़ आ रही है। शायद 100% तो यार डिस्क ब्रेक की आवाज़ आ रही होगी, जो कि पीछे की साइड से आवाज़ आ रही है। लग तो मेरे को यही रहा है भाई डिस्क ब्रेक की आवाज़ है, लेदर गिर गया। या तो एक बार पहले मेरे साथ पहले वैसे हुआ था कि मैं लेदर गलवा के लेके आया था, और लाते ही भाई पता नहीं एक लेदर कैसे निकल के पड़ गया, क्योंकि भाई अच्छे से नहीं गालते ना यार वो लोग, यार पता नहीं कैसे गालते हैं यार। तभी तो मैं आसपास ये महेंद्रगढ़ वगैरह सर्विस नहीं करवाता बाइक की, क्योंकि नारनौल वाले ना तो अच्छा काम करके देते, जेन्युइन काम करके देते हैं भाई वो। और यहाँ पे जो महेंद्रगढ़ एजेंसी है ना भाई, नाम की एजेंसी है बस, और कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे काम नहीं करने आता बिल्कुल भी। तो अभी देखते हैं भाई क्या दिक्कत आई है, लेदर गया या लेदर घिस गए, तब पता चलेगा। सो फाइनली भाई बारडा पहुंच गए, आगे से लेफ़्ट लेना है सर्कल से, लेफ़्ट लेके फिर अपना बी एंड बी पिज़्ज़ा वहीं मिलेगा पिज़्ज़ा। तो सीनों के मुंह में पानी आ रहा, पीछे बैठा बैठा और भाई तगड़े रिएक्शन मिल रहे हैं यहाँ पर बारडा में। क्यों आज भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी, क्योंकि रक्षाबंधन है भाई इसलिए ज़्यादा रस हो रखा है यहाँ पर। यहाँ पे भी यार अपने सतनाले में कुछ ज़्यादा रस है आज, तो एंटीक रिएक्शन भाई पुलिस वाले नहीं मिल जाए। लाइसेंस नहीं लेके आया मैं, लाइसेंस कैरी नहीं कर रहा, घर पे रखा था लाइसेंस, क्योंकि यार 15 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से बारडा, तो क्या लाइसेंस उठा के लेके आऊँ। इसलिए मैं हेलमेट तो लेके आ गया था मैं, और वैसे लाइसेंस नहीं लेके आया। सो फाइनली भाई इतनी गर्मी लग रही है हेलमेट में एंड बी पिज़्ज़ा। सो फाइनली भाई पहुंच गए। हो मुंह में पानी आ रहा है ब्रो, मुंह में पानी आ रहा है। हाउ इज इट फीलिंग सीनू, कैसा लग रहा है भाई? भाई छोड़ो फीलिंग पूछे मैंने। हां तो वही बता रहे हो साले गधे, क्योंकि उराया ने तो फीलिंग तो की टूट गई मेरे को, नहीं बीच बीच में नू 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 काट के लाया है। आराम से चलानी आओगे ने अच्छा। नाम का राइडर बन रहा भाई ये, इसने चलानी आवे नहीं कोई ना बेटे, इसके पीछे बोलनिया, इसके पीछे अगर कोई भी बैठे ने भाई जान से बैठा करो। मेरी तो यही राय है कि नया नया बाड़ा गाँव है ना, उनने बेरो ना हो भाई, किसी चलाओ किसी नहीं।
बाकी ध्यान रखो, सावधान रहो, सतर्क रहो। तो भाई भाई पूछ गए थे अभी, जस्ट पूछ रही है, तो अभी पिज्जा वगैरह खाएंगे और फिर भाई सिंह से इसका रिव्यू लेंगे भाई कैसा पिज्जा लगा। बिल्कुल, अगर रखे वो व्यू जो मैं बताऊंगा वो रखे वो तो बढ़िया डालते हो, सारी चीज रखो, टेंशन ना ले यार, कुछ भी कट कर नॉन कट वीडियो डालूंगा। तो भाई पिज्जा खा लेते हैं, पिज्जा आता है फिर उसके बाद बात करते हैं। सो फाइनली गाइस पिज्जा खा लिया, भाई इतना टेस्टी पिज्जा लगता है भाई, सीनू ने बोला भाई अब की बार है ना यहीं आऊँगा, कहीं जाऊँ ही नहीं। मैं बोला कैसा लगा पिज्जा, मैंने बोला था ना भाई बेस्ट बनाता है बी एंड बी पिज्जा वाला। सो अभी घर जा रहे हैं भाई, अभी टाइम हो गया 6 बज गए, सो निकलते हैं फिर इसे सीनू से ना घर जा कर रिव्यू लेंगे अच्छे से भाई कैसा लगा पिज्जा। भाई फ्री के पैसों का तो बढ़िया ही लगेगा, ये तो फ्री का खाने आया था, बोलेगा मेरी बुराई कर रहा है, मतलब बुराई नहीं कर रहा भाई, पिज्जा तो मस्त था ही, जैसा भी था सही गाइस एक नंबर का पिज्जा था। सो अभी चलते हैं घर पे, और घर पे जाके कंटिन्यू करते हैं वो लोग भाई, वो जो गोप्रो भी है ना चार्ज कम ही है, मैंने चार्ज कर लिया था घर भी, अभी चार्ज कम भी है, जो राइट लेना है। सो रिएक्शन तगड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा भाई रिएक्शन, सो फाइनली भाई पहुँच गए है, सो फाइनली भाई पहुँच गए, अभी जस्ट पहुँच जाइए। अरे भाई क्या बैक में पेन होने लगता है भाई, जब से जिम स्टार्ट करिए ना तो बाइक चलाता हूँ काफ़ी ज़्यादा पेन होता है बैक में, सच्ची तेरी कसम से, नो मजाक नहीं कर रहा भाई, तेरे नहीं होता है? तेरे बैक में पेन नहीं होता बाइक पे बैठता जब भाई, तू है यार अनोड ले यार, तू तो यार बॉडी बिल्डर है, इस बैग बैग में डालना पड़ो इसको, रिव्यू बता दे भाई क्या रहा पिज्जा का, जेन्युइन रिव्यू तो हम देंगे बाद में, अभी पहले भाई बात ये है। क्या बात है ब्रो, नहीं बताओ के जेन्युइन रिव्यू दे दे पिज्जा के, तो पिज्जा तो देख भाई था एकदम गजब, अपना यहाँ पास पास में मिला कोने, और ये भाई ऐसे अमीर आदमी है, यूट्यूबर है, साले चला जा देगा पिज्जा का रिव्यू, ना ना जाऊँ यार पे जाके हम हुक्का पियेंगे भाई, हुक्का हमारे है नहीं, हुक्का नहीं पीता ना ब्रो। सो कल 6 बजे ठीक है ना, 6 बजे छः बजे फ़ोन कर लिए, भाई तू बस पिज्ज़ा खाने का बना है और कुछ नहीं। सो भाई कर दिया ड्रॉप सीनू को, अभी सीधा ही करते हैं घर पे, भाई आ गया था घर पे अभी जस्ट आया हूँ, और बाइक अंदर लगाई है और बाइक काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई बाइक, फिर मैंने देखा ना भाई उसका लेदर गया, लेदर गलवा के लेके आना पड़ेगा एजेंसी में, तो जाना है अभी एक दो दिन में जाऊँगा शायद एजेंसी में। और भाई आज का व्लॉग इतना ही, तो होप करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन जरूर दबा दिए, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, सो टाटा बाय बाय।